सीएम शिवराज ने एक नई पहल करते हुए कहा है कि हर गांव अपना जन्मदिन मनाए ताकि गांव में कुछ करने की जागरूकता आए। ग्राम सभा इसको तय करे कि इस दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा हों और वो अपने गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाए। सीएम ने बात कही कि ऐसे गांव के लोग कोशिश करें कि आपसी मतभेद को खुद मिटाए ताकि पुलिस थाने जाने की जरूरत ना पड़े। तो वहीं स्कूल खोलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की वजह से कोरोना की लहर ज्यादा आक्रामक नहीं है और 31 के पहले स्कूल खोलने पर वो फैसला लेंगे। सीएम की अपील की गई है कि गांव अपना जन्मदिन मनाए और ग्राम सभा वक्त तय करे। मैंने अपील की है कि हम गांव का एक दिन मनाए, उसको जन्मदिन भी कह सकते हैं, कोई और नाम भी दे सकते हैं, और वो गांव में ग्राम सभा करके तय कर लें कि साल भर में फलानी तारीख या फलाना दिन हमारे गांव का जन्मदिन होगा या गांव का दिन होगा। जैसे मैंने अपने गांव जैत में तय किया नर्मदा जयंती के दिन कल गांव के लोगों के साथ मिल गए। उस दिन हम जितने गांव के लोग हैं वो किसी भी पद पे हों, कहीं भी रह रहे हों, वो गांव में इकट्ठे हों, अपवाद की बात नहीं करता लेकिन यथासंभव इकट्ठे हों और मिलके गांव के विकास की, गांव के उत्थान की योजनाएं बनाएं। उसमें नंबर एक शासकीय योजनाओं का बेहतर लाभ उठाते हुए गांव कैसे आगे बढ़े, और दूसरा अपनी तरफ से भी अगर हम कोई योगदान कर सकते हैं, कोई आंगनवाड़ी में कर सकता है, कोई स्कूल में कर सकता है, कोई और किसी काम में कर सकता है, एक भाव जागृत होगा कि मेरा गाँव, मेरा गाँव मेरा तीर्थ जैसी भावना एक आएगी और उसको विकसित करने में उनका योगदान देंगे और गांव में भी एक भाव आएगा। दूसरा, हम अक्सर देखते हैं कई जगह आपस में छोटी छोटी चीजों पे झगड़े हो जाते हैं तो गांव की अधिकांश ऊर्जा खत्म हो जाती है आपसी झगड़ों में ही। कुछ गांव पर बिल्कुल आइडियल मिलते हैं, आज के युग में भी मिलकर पंचायत के चुनाव कर लेते हैं। तो एक योजना हम समरस गांव बनाने की, गांव में छोटे मोटी कोई चीज है तो ग्रामवासी मिलकर ही तय कर ले। क्यों पुलिस थाने में कोई मामला जाए, कोई रिपोर्ट गांव की थाने में ना हो, आपस में मिलकर विवाद सुलझाएं, एक वातावरण आत्मीयता और स्नेह का बने। किसी के घर बेटी की शादी तो पहले भी पूरा गांव का गांव मानता था कि मेरे गांव की इज्जत का सवाल है, वही भाव फिर से जागृत हो तो ऐसे गांव जहां कोई रिपोर्ट नहीं होगी 3 साल, उनको समरस गांव कहा जाएगा और उनके प्रोत्साहित करने के लिए और उनके विकास के लिए हम एक अलग योजना बनाएंगे ताकि ये भाव बढ़ता रहे। इस भाव का भी पर मैं मानता हूं कि व्यापक पैमाने पर जो टीकाकरण का काम हुआ है, मध्य प्रदेश में 97% से ज्यादा सेकंड डोज लग गए हैं और 97 से ज्यादा फर्स्ट डोज, 93 से ज्यादा सेकंड डोज और 73% से ज्यादा लग गए हमारे बच्चों को 15 साल से लेके 17 साल तक की उम्र के। तो लगातार जो डोज लगे हैं उसका भी एक कारण मैं मानता हूं कि कोरोना इस बार मारक नहीं हुआ और आसानी से अब तो 2% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में जाना पड़ता है। बैठक करूंगा और पूरी चर्चा करके बच्चों को सुरक्षित रखते हुए हम 31 जनवरी तक